आज हम देखने वाले हैं एरे में, जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे के अंदर हमें रोटेशन करवाना है पूरे एलिमेंट्स की और लेफ्ट और राइट, तो वो कैसे करेंगे। हम इस प्रॉब्लम में लेफ्ट और राइट दोनों का रोटेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम राइट का रोटेशन देखते हैं। पहले हम लेते हैं एरे ए आर आर करके। एरे के अंदर हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे 10, 11, 12, 3, 7, 8 एंड 9। ये एलिमेंट्स हो गए हमारे। और अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक व्हाइल लूप चलाएंगे, या फिर हम सबसे समझाते हुए चलते हैं। इसलिए हम सबसे पहले फॉर लूप लेंगे जो चलेगा आई 0 से नहीं चलेगा, ये चलेगा ए आर आर डॉट लेंथ। इसकी लेंथ से चलेगा और कब तक चलेगा, जब तक इसकी लेंथ ग्रेटर देन और 0 है। यहाँ पे हम -1 करेंगे क्योंकि इसकी लेंथ जो होती है, इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पे और ये माइनस माइनस करेंगे। अब ठीक है, अब यहाँ पे इतना हो गया। अभी हम क्या करना होगा कि ए आर आर ये सारे एलिमेंट्स को हम रिप्लेस करेंगे, ए आर आर आई वाले इंडेक्स को रिप्लेस करेंगे इसके जस्ट पीछे वाले इंडेक्स पे जो था। ओके, आई -1। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये सारे एलिमेंट्स रिप्लेस हो गए। यहाँ पे करेंगे लेट टेम्प, टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल में रखेंगे ए आर आर आर। इस एरे की सबसे लास्ट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो रखेंगे इस टेम्प में। फिर इस लूप से बाहर निकलने के बाद जब लास्ट में सारा सारे एलिमेंट्स एक 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 पीछे चले जाएंगे, फिर हम एरे ऑफ इंडेक्स 0 पे क्या करने वाले हैं कि टेम्प में जो वैल्यू पड़ी थी लास्ट वाली वो डाल देंगे। यहाँ पे हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि हमें रोटेशन राइट राइट साइड की तरफ करना है, तो हमें ए आर ऑफ आई इंडेक्स की जगह हमारा लूप यहाँ से चल रहा है, तो आई इस वाले इंडेक्स पे हम 8 को 9 वाले इंडेक्स को 8 से रिमूव कर रिप्लेस कर रहे हैं, 8 वाले को 7 से, 7 वाले को 3 से, ऐसा कर करके हम सारे एलिमेंट्स को एक उसके अगले वाले इंडेक्स पिछले वाले इंडेक्स से रिमूव कर रिप्लेस कर रहे हैं। फिर हम जब यहाँ पे आ रहे हैं 0 वाले इंडेक्स को टेम्प में क्या पड़ा था लास्ट वाले इंडेक्स मतलब 9 से रिप्लेस कर देंगे। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट कुछ ऐसा होगा। आउटपुट हम देखते हैं, यहाँ पे दोनों स्क्रीन को हम बराबर डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारा आउटपुट एग्जैक्ट, हमें कोड भी दिखता रहे और आउटपुट भी दिखता रहे। ठीक है, हम यहाँ पे लॉग करते हैं, लॉग लॉग में ए आर आर लिखेंगे और हम जैसा कि देख सकते हैं कि 9 आगे चला गया है और बाकी के एलिमेंट एक पीछे की जगह गया है। ठीक, तो इसको अगर हमें लेट के इक्वल्स टू 3 मतलब 3 बार ये रोटेशन 3 बार करवाना है, तो इसको वाइल लूप में डाल देंगे और लूप में लिखेंगे ये आ जाएगा बिल्कुल नीचे। और हमारा कंडीशन कब तक चलेगा कि के माइनस माइनस होगा, और यहाँ ये कंडीशन तब तक चलेगी जब तक के बड़ा है 0 से। ओके, अब हम देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट ये है 7, 8, 3, 7, 8, 9, 10, मतलब ये एलिमेंट्स 3 बार रोटेट हो चुका है हमारा राइट की तरफ। इसका एक और मेथड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको देख लेते हैं। वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट कुछ मेथड्स हमें देते हैं। वो क्या होते हैं, लेट टेम्प, टेम्प वेरिएबल बनाते हैं, इसमें हम डालेंगे ए आर आर एरे डॉट। अब हम स्प्लाइस करके एक मेथड होता है जो रिमूव और एलिमेंट को ऐड करने के काम में आता है। हम क्या करें, स्प्लाइस कर रहे हैं ए आर आर डॉट लेंथ लेंथ कॉमा लेंथ माइनस के कॉमा के तक। ओके, अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमें टेम्प में मिला है वो ए आर आर डॉट अनशिफ्ट। अनशिफ्ट बेसिकली करता क्या है कि जो भी इसके अंदर हम देते हैं वो इस स्टार्टिंग में जाके ऐड कर देता है, इस वाले एरे में स्टार्टिंग में जाके इंसर्ट कर देगा जो भी टेम्प के अंदर पड़ा होगा। हम लॉक करते हैं कंट्रोल लॉक और ए आर आर करेंगे। हम देख सकते हैं कंट्रोल एस करते हैं कि शायद हमने कमेंट कर दिया कि को भी कमेंट करते हैं।
हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अलग एरे बन गया, अलग एरे इस बन गया क्योंकि हमने यहाँ पे और यहाँ पे ये इसने जो रिटर्न किया था वो एरे किया था, हम एरे के अंदर एक और एरे डाल रहे थे इसलिए हमने स्प्लिट ऑपरेटर यूज करके वापस उस एरे को स्प्लिट कर दिया। तो देख सकते हैं हमारा आउटपुट अभी भी सेम है। तो ये एक मेथड हो सकता है इजिली यूज करने का रोटेशन के लिए। तो हम सेम एरे यूज करते हैं और राइट रोटेशन के लिए और लेफ्ट रोटेशन के लिए। राइट हमारा हो गया, अब राइट के लिए चलते हैं। राइट के लिए हम सेम और सेम कोड लिखने वाले, थोड़े को चेंज हो गए। तो हम इसको करते हैं कॉपी एंड यहाँ करेंगे पेस्ट, ठीक। इसको हम कमेंट करते हैं, हम समझते हैं कि लेफ्ट में क्या होगा। बेसिकली लेफ्ट में राइट में सारे एलिमेंट्स जो हमारे थे वो राइट के साइड शिफ्ट हो रहे थे, मतलब एक एक आगे जा रहे थे, जो इधर है वो पीछे आ रहे थे। मतलब 11 12 की जगह जा रहा था, 12 एक और आगे जा रहा था एक और। लेकिन लेफ्ट रोटेशन में क्या होगा कि 11 10 की जगह आएगा, 12 11 की जगह आएगा, 3 12 की जगह, ऐसा करके लेफ्ट की तरफ रोटेशन होगा। इसके लिए क्या करना होगा कि हमारा जो ये लूप जो चल रहा है वो सही चलेगा, वाइल वाला फॉर वाला। अब यहाँ टेम्प में जो एरे के अंदर लास्ट इंडेक्स से निकाल रहे थे वो लास्ट से निकाल के हम 0 इंडेक्स से निकालेंगे। और ये लूप चल रहा था ये एरे के लास्ट इंडेक्स से ना चल के ये चलेगा 0 से, और यहाँ पे कंडीशन लगेगी ग्रेटर देन मतलब लेस देन हो जाएगा, और लेस देन किसके ए आर आर डॉट लेंथ, और यहाँ पे माइनस माइनस ना प्लस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे ए आर आर ऑफ आई में माइनस इसके पीछे वाली वैल्यू उठा के ना, बल्कि हम इसके आगे जस्ट वैल्यू जो पड़ी है वो उठा के हम इसमें डालेंगे। हम यहाँ पे लॉग कराते हैं, लॉग लॉग कराएंगे ए आर आर और कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। और थोड़ा सा टाइम ले रहा है, हम दूसरे में टैब में खोल लेते हैं अपना, स्पेक्ट करते हैं और कंसोल पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे आ रहा है ये अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड। लास्ट के जो 3 एलिमेंट थे जो स्टेप 3 थे जो यहाँ से रिमूव हुए थे वो अनडिफाइंड आ रहे हैं। उसका देखते हैं कि वो अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, मतलब गलती करी हुई कि ग्रेटर देन 0 ये लूप सही चला है। हमने क्या करा कि टेम्प में 0 इंडेक्स डाल दी, फिर लेट आई ए आर आर डॉट इसके लेंथ तक चला है लूप। फिर हमने क्या किया कि इस एरे में हमने और ये आई प्लस वन करके डाल दिया। और हाँ यहाँ पर हमने गलती करी कि हमने इसके 0 इंडेक्स पे ना डाल के हमें इसकी लेंथ लास्ट वाले इंडेक्स पे डालना होगा, डॉट लेंथ -1। अब हम देख सकते हैं कि इसका रोटेशन बराबर हो चुका है और ये लेफ्ट की तरफ रोटेट हो चुका है हमारा ये गिवन एरे। गिवन एरे हमारा ये था, ये 3 बार अगर लेफ्ट साइड रोटेट होगा तो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये सारे ये आगे आ जाएंगे, ये पीर को पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका एक और मेथड है जावास्क्रिप्ट के अंदर लेफ्ट रोटेट करने का, वो देखते हैं। इसमें क्या कर लेंगे हम कि लेट हम इस के को फिर से कमेंट कर दिए, फिर से इधर आएगी अनकमेंट करते हैं। लेट एक टेम्प वैल्यू को फिर से बनाएंगे टेम्प, इसमें क्या करेंगे फिर से स्लाइस स्प्लाइस का यूज करेंगे स्प्लाइस, और इस बार और लेंथ से ना करके हम 0 से करेंगे और के तक का एलिमेंट को स्प्लाइस करेंगे। ए आर आर डॉट इस बार पुश करेंगे हम लास्ट में, जो टेम्प में आया होगा उसको हम अपने एरे के लास्ट में पुश कराना चाहते हैं, और लॉक कराते हैं ए आर आर को, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। हम जैसा कि देख सकते हैं आउटपुट हमारा अभी सेम आया है, लेफ्ट में 3 बार ये रोटेट हो चुके हैं। तो ऐसे ऐसे हम करके लेफ्ट और राइट रोटेशन करा सकते हैं किसी भी गिवन एरे में जावास्क्रिप्ट के अंदर।